यार सब्सक्राइब करो ना ऑलराइट को। यार सुबह सुबह भिंडी कौन बनाता है, पूरा मूड खराब कर दिया तुमने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट विकास, ये धुआं कहां से आ रहा है? वो सर पूजा कर रहा हूं ना, तो अगरबत्ती का धुआं है सर। छोटी वाली या बड़ी वाली अगरबत्ती? माइल्ड सर, मतलब मीडियम साइज सर। बेटा आपके घर वालों को पता है कि आप एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर फेल हो गए और अब आपकी अपना लंग फेल कर रहे हो? संदीप तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है? सर वो टॉयलेट में हूं ना। क्लास के टाइम में टॉयलेट में? अरे नहीं सर, टॉयलेट के टाइम पे क्लास में हूं, अभी नेचर कॉल का क्या करेंगे सर। ये तुम्हारा लीडर कहां है? हाँ सर, उसका मैसेज आया था, उसने बोला है कि सर से बोलना वेट ना करे उसका और स्टार्ट कर ले आपका जो भी। आइए श्रीमान, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप इतना लेट क्यों होंगे? नहीं। अरे सर, अगर जल्दी आ भी जाता तो कौन सा सिलेबस चेंज हो जाना था? बेटा सिलेबस का तो पता नहीं, बट तुम्हारी इस बकवास के लिए ना मैं तुम्हारी बैच जरूर लगवा सकता हूँ। कॉलेज में तुम लोग पहले स्टूडेंट हो जो एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर भी फेल हो गए। इतना नालायक कैसे हो सकता है कोई? डिफिकल्ट सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो हमें चीटर कहा जाता है, और आसान सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो नालायक। मुझे समझ नहीं आता कि हम लोग हैं क्या, बैक बेंचर स्टूडेंट्स या फिर किसी ऐप का क्रिंज कंटेंट? गुड मॉर्निंग सर, आई एम सो सॉरी सर, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी लेट हो गया। इट्स ओके सुहानी, यू आर ऑन टाइम। हेलो सुहानी, कैसी हो? हाय सुहानी, व्हाट्स अप? अगर तुम लोगों की विशेस पूरी हो गई तो हम लोग पॉइंट पे आए। एज यू ऑल नो कि आप सब एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर फेल हो गए। सुहानी तुम तो टॉपर नहीं थी, तुम कैसे? ठीक क्या होता है, एग्जाम नहीं दे पाए बिकॉज़ फीवर था मुझे। ओ माय गॉड, फीवर? हमें अगर डेंगू और टाइफाइड एक साथ भी हो जाता ना तब भी हमारा तो एक्सक्यूज ही लगना था। साइलेंस, एचओडी सर का ऑर्डर है कि इन सब बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर में पास करो, इससे कॉलेज का रिजल्ट खराब होता है और कॉलेज की बेइज्जती भी होती है। सुहानी, कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, तो तुम सब इन बच्चों के साथ मिलकर के एक ग्रुप प्रोजेक्ट बनाओ और मुझे 3 दिन के अंदर में सबमिट करो, ठीक है? सर प्लीज सर, बेस्ट ऑफ लक। हाय सुहानी। हाय सुहानी, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा नाम है, मम्मी ने रखा कि पापा ने? सुहानी सुंदर लगती हो तुम ऐसे खुले खुले बालों में। ओके गाइस, सो अब सीन ये है कि हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना है 3 दिन में। हम ऐसा करेंगे कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एंड नाउ वी जस्ट हैव टू डिसाइड कि कौन सा बंदा कौन सा पार्ट करेगा, राइट? मैं एंड पार्ट पर, मतलब प्रोजेक्ट तुम लोग कंप्लीट कर लो, उसके बाद सबके नाम और थैंक यू मैं डाल दूंगा एंड में। थैंक यू सो मच, लेकिन सब लोग इक्वली काम करेंगे, ओके? सो डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। सुहानी पार्टनर, मैं क्या बोल रहा था, हम प्रोजेक्ट को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ओके? तो एक हाफ ये दोनों कर लेंगे, रवि और संदीप, और एक हाफ मैं और तुम। अच्छा, दो ही तो पार्ट है, तो तू और विकास कर लो ना एक पार्ट, मैं और सुहानी कर लेंगे। क्यों सुहानी, हम दोनों कर लेंगे ना। ओ भाई थर्ड एम्पायर, तेरा रिव्यू किसने लिया बे? नहीं नहीं नहीं, तू क्यों बोल, अरे तेरे बस की कुछ है तेरे से? अरे सुहानी ये आधे रास्ते छोड़ के चले जाएगा, हर सब के साथ ऐसे करता है ये। भाई एक मात्रा फेंक के मारूंगा ना वही मर जाएगा, तुम बोल रहे हो मेरे साथ, और मेरे को टीम के साथ से समझाओ, मैं इसको तबाह कर दूंगा भाई, भस्म कर दूंगा, डर मत से। गाइस स्टॉप इट नाउ, क्या लगा रखा है यार ये, तुम लोगों की ये लड़ाई खत्म हो जाए ना तो प्लीज मुझे कोई एक बंदा टेक्स्ट करके बता दे कि मुझे क्या करना है। अरे नहीं नहीं सुहानी, सालों कर दिया ना नाराज उसको, मैंने बकाया है यार ये सब, विकास है ही ऐसी चीज यार, ना इसका खुद का कुछ होता है ना ये दूसरों का विकास होने देता है। अबे तू चुप कर जा, तुम दोनों ही नल्ले हो, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी, मेरे को ही कुछ सोचना पड़ेगा। सॉरी सुहानी, एक बात पूछनी थी। इट्स ओके, हाँ पूछो। वो अभी तक तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया क्या? तुम्हारी डीपी नहीं दिख रही थी। हे भगवान,
सुहानी, सॉरी यार। अच्छा ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। इट्स ओके, पूछो। तुम्हें ट्यूब टॉप ज्यादा पसंद है या क्रॉप टॉप? कैसे कंप्लीट करेंगे यार प्रोजेक्ट? ये लोग अपने साथ साथ मुझे भी फेल करा देंगे। काम करती हूँ, सर को बोलती हूँ एक सेपरेट प्रोजेक्ट दे दें। हाँ, वो सबमिट कर दूंगी, ये बेटर आइडिया। हाय, फ्री हो? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था। यही कि मुझे ट्यूब टॉप पसंद है या क्रॉप टॉप। मैंने अभी तक तेरा नंबर सेव क्यों नहीं किया? बिकॉज़ तेरे को मेरी डीपी तो दिखाई दे ही नहीं रही होगी। यार तुम सारे के सारे बैक बेंचर्स की ना ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें दूसरे का टाइम वेस्ट करना है अपना टाइम पास करने के लिए। तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मेरा सीजीपीए इस पे डिपेंड करता है। तो प्लीज यार, इन फालतू की चीजों में ना मुझे घुसाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि मेरे पास ना कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग की लास्ट कॉपी। ये जो तूने बिना सोचे समझे इतनी बकवास करी है ना, इतना कोई सोच कर भी नहीं करता। और ये क्या तूने बैक बेंचर और टाइम वेस्ट लगा रखा है? प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर नहीं, प्रॉब्लम तुम टॉपर्स के अंदर है, जिन्होंने हम बैक बेंचर्स को मिर्जापुर का मुन्ना त्रिपाठी समझ रखा है। तुम टॉपर्स ना, हम बैक बेंचर्स को देखते भी ऐसे हो जैसे बॉलीवुड वाले केआरके को। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हें मैसेज सिर्फ तुम्हारी मेल आईडी पूछने के लिए किया था, क्योंकि मुझे वो टॉपिक मिल गया है जो तुम सर्च कर रही थी। ठीक है, सॉरी यार रवि, वो अरे प्रोजेक्ट की वजह से ना मैं बहुत पिस्ड ऑफ हो गई थी। और मेल आईडी यार, इट्स sohani@gmail.com। तुम मेल कर, मैं एक बार चेक। रवि, जग्गी भैया, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अबे भाई, एनवायरनमेंट के पेपर में अगर तुम रोल नंबर भी लिख दो ना, तो भी तुम्हें टीचर पास कर देती है। और तू वैसे टीचर कौन है? अरे वो अपने प्रमोद सर। फाइनल ईयर में वो खुद दारू पीकर कैंपस में पढ़ा रहता था, और आज देख ले। वैसे कमाल है, एनवायरनमेंट खराब करने वाला उसी का टीचर बन गया। खैर, कोई अच्छी सी दारू चढ़ा दे उसे, काम हो जाएगा। हेलो। हाँ भाई सुन, मुझे ना कुछ अर्जेंट काम आ गया है, तो जो आज हमारी रात को वो है ना प्रोजेक्ट मीटिंग, वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। प्रोजेक्ट मीटिंग में नहीं आ सकता? उसमें तो मैं भी नहीं आ सकता यार, वो मम्मी को मेरे फोन में ना वो वैम्पायर डायरीज बिंज वॉच करना है। तो रवि को इन्फॉर्म कर दियो। तू बता दियो ना रवि को, एक ही तो बात है। हाँ तो मैं भी तो यही बोल रहा ना कि एक मिनट, कहीं तूने भी सुहानी को प्रपोज तो नहीं कर दिया? तूने भी मतलब? तूने भी? हाँ यार, मुझे लगा टॉपर है, इधर उधर की बातें करूंगा, थोड़ी अंग्रेजी फ्लॉन्ट करूंगा तो सेट हो जाएगी। पर क्या सुनाया यार उसने मुझे भर के अंग्रेजी में, जब डिक्शनरी रेफर किया तब पता चला वो गालियां है। उसने क्या वो मोरन से शुरू किया था? फिर वो स्टूपिड, इडियट, डेस्परेट, यूजलेस, मीनिंगलेस, वर्थलेस, फ्रूटलेस, ऐसा कुछ बोला था क्या? हाँ भाई, देख यार, अगर सुहानी ने प्रमोद सर को बताया तो हम प्रोजेक्ट में तो फेल होंगे ही होंगे, पर ये जो रवि है ना, ये हमें हिंदी हरियाणवी में बाइलिंगुअल गालियां देगा, कान से खून बहाना है हमारे। ओए एक मिनट रुक जा, मेरे को रवि का फोन आ रहा है। ओए मैं काट रहा हूँ। नहीं, मैं फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ, तू भी कर दे भाई। कल लास्ट डेट है यार प्रोजेक्ट की, मुझे नहीं लगता हम कंप्लीट भी कर पाएंगे। डोंट बी सैड, हो जाएगा यार, मिलकर करेंगे तो बिल्कुल होगा। कैसे होगा यार, आई गेस इस साल मेरा सबसे बेकार सीजीपीए आएगा। एक बार अपना मेल चेक करो। यू आर अनबिलीवेबल यार, कैसे किया तूने? And it's so beautiful. थोड़ी मेहनत, थोड़ी जुगाड़बाजी। I'm sure, but how? अरे चढ़ावे में 12 साल पुरानी ओल्ड मोंक जो चढ़ाई थी सर को, उन्होंने इमोशनल होकर खुद ही प्रोजेक्ट दे दिया और बोला कि जा रवि जा, बढ़ा ले अपना CGPA, कर ले अपनी बैक क्लियर। और ऑल इज वेल ही गया उन्होंने साथ में। अरे मतलब ये बोला कि प्रोजेक्ट के ग्रेड से तेरी परसेंटेज बढ़ेगी, पर तेरी नॉलेज नहीं,
क्योंकि तेरा इंटरेस्ट जो नहीं है इसमें। क्या लो, इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर इंसान जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं। यार देख, आइंस्टाइन और न्यूटन ने भी तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ी ना, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि तेरे एनवायरमेंट में कितने मार्क्स आए। इसीलिए मैं भी बस नॉलेज के लिए ही पढ़ना चाहता हूँ। यार तो फिर जिन सब्जेक्ट्स में तेरा इंटरेस्ट है और तू नॉलेज के लिए पढ़ता है उसमें तो फिर तू टॉप कर देना चाहिए था। टॉप नहीं किया बट नॉलेज तो है। वैसे भी प्रॉब्लम ना सारी एजुकेशन सिस्टम की है। हम लोगों को थ्योरी तो सिखा दी जाती है लेकिन उस थ्योरी को लाइफ में अप्लाई कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। हाँ मतलब ये वाला पॉइंट टेकन है दैट अल्टीमेटली प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आने वाली है रियल लाइफ में। पर तुम ही बताओ, सचिन, आइंस्टाइन या मार्क जुकरबर्ग ने फेल या ड्रॉप आउट होने के बाद भी अपने ड्रीम्स तो पूरे किए ही ना। मतलब दिस वाज अ गुड एग्जांपल बट इफ यू वोंट माइंड क्या मैं पूछ सकती हूँ तेरा क्या ड्रीम है? तुम हंसोगी सुनकर बट आई डोंट केयर। मुझे ना वर्ल्ड का बेस्ट टक्सीडो मेकर बनना है। ओके, मैं हंस नहीं रही हूँ बट टक्सीडो मेकर। हाँ यार, आई विश कि आगे चल के मेरा खुद का ब्रांड हो, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे ब्रांड के टक्सीडोज पहने। इट्स रियली ब्यूटीफुल बट जस्ट दैट मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं यार कि किसी को टक्सीडो मेकर बनना होगा। यूनिक चीजें अक्सर फर्स्ट थॉट में नहीं आती। खैर तुम तो टॉपर हो ना, तुम्हारा क्या ड्रीम है? मैं अभी मैं बहुत अच्छे से अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद हॉवर्ड से MBA, फिर किसी अच्छी फर्म में जॉब करूंगी, देन आई नेवर गिव इट अ थॉट, आई जस्ट रियलाइज्ड इट। इनफैक्ट जो मैंने बताया यार ये तो बहुत कॉमन सा ड्रीम है ना यार। आई थिंक इट्स नॉट योर ड्रीम, इट्स जस्ट अ गोल, और गोल्स फोकस देते हैं बट ड्रीम्स पावर देते हैं। हाँ पर ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, फिर वो चाहे बैक बेंचर हो, टॉपर हो। यार बहुत ज्ञान हो गया ना आज के लिए। एक मिनट, ये संदीप और विकास क्यों नहीं आया अभी तक? शर्मा रहे होंगे मुझे प्रपोज करने के बाद। क्या बात कर रही हो? ये दोनों ना तुम्हारे पीछे काफी टाइम से पड़े हुए हैं और मैं इनको बोल रहा हूँ कि तुमसे पटेगी नहीं बट फिर भी अपने ट्राई मारे जा रहे हैं। फिर जो मैंने गालियाँ सुनाई इंग्लिश में तो तुम्हें हिंदी में भी गालियाँ आती है जी? कुत्ता, कमीना। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप बैक बेंचर थे या फिर टॉपर, और अपने स्कूल और कॉलेज की फन मेमोरीज भी शेयर करना।